हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर से डेली रूटीन ब्लॉग में आप सभी लोगों का वेलकम। आई होप आप लोगों के एग्जाम की तैयारी दोस्त जो बढ़िया से चल रही होगी। अभी फिलहाल मॉर्निंग की बज रही 6 और तुम्हारा भाई घुमा रहा है शेरों को, कुत्ते को। ठीक है, आज मैं जिम नहीं गया क्योंकि आज अभी मॉर्निंग में मेरे को जाना है रॉबिन भाई के साथ, उसका पेपर है आज अग्निवीर का, तो रॉबिन भाई के साथ जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि यार मेरे साथ कोई नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है चलो भाई चले जाएंगे, अभी सुबह ही निपट जाएगा पेपर, देखते हैं फिर डेली रूटीन ब्लॉग में क्या होता है। अभी मेरे को भी नहीं पता है कि देहरादून में सेंटर कहाँ पड़ रखा है, तो ये तो अभी जब रॉबिन भाई आएंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि सेंटर कहाँ है। तो देखते हैं, अगर जब तक उनका पेपर होगा तब तक हम कहीं घूम लेंगे, है ना। खैर वो तो आगे की बात है, देखते हैं डेली रूटीन ब्लॉग में क्या होता है। ठीक है, भाई यहाँ सेंटर पड़ रखा है रॉबिन भाई का, जी आर डी इंस्टीट्यूट। यहाँ पर मेरा भी सेंटर पड़ा था जब आईटीआई के पेपर थे मेरे, और काफ़ी तगड़ी सिक्योरिटी रहती भाई अंदर। शायद यहाँ पर ऑनलाइन सारे एग्ज़ाम होते हैं, तो अग्निवीर का भी यहीं पे पढ़ रखा, सेम जगह पे। चलो ठीक है, अब देखते कैसे जाता भाई का पेपर। बहुत सारे ये इसका एंट्री गेट, मेन गेट है जो, ये देखो जीआरडी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड। तुम्हारे भाई को लग गई थी टॉयलेट, 2 किलोमीटर दूर आया हूँ भाई टॉयलेट करने में, बताओ आधा लीटर तेल फूक गया मेरा जगह ढूंढते ढूंढते। यही दिक्कत है यार देहरादून में, यहाँ भी पता क्या भाई डर लग रहा है इस जंगल में जाने को भी। अब जाके शरीर हल्का हो गया भाई, मेरी तो सांसें फूलने लग गई थी। चलो अभी तुम्हें एक बहुत बढ़िया सी जगह बताता हूँ आपको, ठीक है। फूल ही फूल है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है, प्यारा सा। देखो आप लोगों के लिए मैं ऊपर आ गया इस रास्ते पे, ठीक है। चलो अब वापस चलते हैं वहीं पे। चलो भाई पेपर निपट गया अपने रॉबिन भाई का, अभी दूसरा बैच भी स्टार्ट होगा ना। हे दोस्तों, तो अभी अपन पहुंच चुका है घर और टाइम भी 12 बज चुकी है, थोड़ा टाइम लग गया। तो अभी पढ़ते हैं जीके जीएस बढ़िया से एकदम से, टाइम भी काफी हो गया, थकान भी लग रखी है बहुत, ट्रेवल करने के बाद थकान लग जाती है यार। तो अभी फिलहाल मैं YouTube से क्लास ले रहा हूँ, उत्कर्ष क्लासेस करके गौरव सर हैं जो, उनकी क्लास ले रहा हूँ, रिवीजन के तौर पे देख रहा हूँ। ठीक है, सिलेबस तो कम्प्लीट अलग होगा लेकिन रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। सिलेबस सब देखो, सिलेबस ना हर कोई कम्प्लीट कर देता है, उसका रिवीजन है जो बार बार करना पड़ता है ना, क्योंकि चीज़ें याद नहीं रहती हैं, बहुत सारा है भाई। चलो ठीक है, फिर अभी फिलहाल करते हैं जीके जीएस, उसके बाद मिलते हैं सीधा इवनिंग में। ओके, गुड इवनिंग दोस्तों। सो आज इवनिंग टाइम पे तुम्हारा भाई जिम में आया है और मॉर्निंग में नहीं आ पाया, ठीक है। चलो वर्कआउट करें। तो यार दोस्तों, जब अभी मैं इवनिंग टाइम पे जिम गया था, ठीक है, अभी तो मार्केट से आगे मार्केट गए थे सब्जी, तो अपने को मिली कुछ मनी, लक्ष्मी माता मिली है अपने को। मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता आपको कितने हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो भाई मेरी वीडियोस देख रहा होगा कोई, तो बोल देगा ऐसे कि हाँ इतने रुपए छोटे थे मेरे थे। तो ये जिम के बाहर पे मिले हैं मुझे, और मैंने जिम में भी अनाउंसमेंट करवाया था जब मैं गया कि भाई एक बार पूछ लो, ठीक है, जो जिम ट्रेनर है वहाँ पर, तो उनसे बोला कि भैया एक बार सबको पूछ लो कि किसी के पैसे तो नहीं गिरे। तो किसी ने नहीं बोला कि किसके गिरे हैं, बाकी देखते हैं अगर कल परसों तक कोई बताता है तो ठीक है, उसके बाद इनका यूज कैसे करेंगे तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। दिख रहा है ना कितने नोट है, बताऊंगा नहीं, एग्जैक्ट नहीं बता सकता मैं आपको, ठीक है। चलो ठीक है, फिलहाल अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं घर, और 9 बज गई आज,
टाइम का पता ही नहीं चला यार। अपनी स्टडी टेबल रेडी है।